हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के तहत 10वीं और 12वीं कक्षा के पंजीकृत 2,46,811 परीक्षार्थी मंगलवार से वार्षिक परीक्षाएं देंगे। इस बार कोविड काल के बीच हो रही इन परीक्षाओं में सामाजिक दूरी कायम रखने के लिए 2,137 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 13 अप्रैल से ये परीक्षाएं सुबह शाम दोनों सत्रों में होंगी। कोरोना संक्रमित विद्यार्थी एक माह बाद परीक्षाएं देंगे, वहीं 17 अप्रैल से यूजी की परीक्षाएं होनी है। सुबह के सत्र में 10वीं के नियमित और SOS के तहत पंजीकृत विद्यार्थी परीक्षा हॉल में कोरोना गाइडलाइन के साथ परीक्षा में बैठेंगे। दूसरे सत्र में 12वीं कक्षा के विद्यार्थी परीक्षा देंगे। हिमाचल प्रदेश में बिल्कुल ठीक है कि कल से 10th के एग्जामिनेशन है 13/4/2021 से और 16/4/2021 के 12th के मतलब प्लस टू के एग्जामिनेशन है। 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं के लिए बोर्ड प्रबंधन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। नकल रोकने के लिए जिला प्रशासन, शिक्षा विभाग और बोर्ड के उड़न दस्तों के साथ ही परीक्षा हॉल में लगे CCTV कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। बोर्ड के अनुसार 10वीं कक्षा में नियमित 1,16,954 विद्यार्थी परीक्षा देंगे, जबकि 14,931 परीक्षार्थी SOS के तहत परीक्षा देंगे। हाँ, हमारे जो 10th के एग्जामिनेशन है, जैसे कल से 13 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं और 28 अप्रैल तक इनके पेपर वो खत्म हो जाएंगे और 12th के 16 अप्रैल से शुरू होके ये 8 मई तक चलेंगे। अभी हमारे पास कोई 2.5 लाख के करीब ये संख्या है, लेकिन कितने बैठते हैं, कितने एग्जामिनेशन में बैठते हैं, वो रूटीन में डेली बेसिस पर जो अटेंडेंस आएगी उसके बेसिस पे पता चलेगा। जमा दो की नियमित कक्षाओं से 1,982 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, जबकि SOS के तहत 13,940 परीक्षार्थियों ने पंजीकरण करवाया है। तो बोर्ड ने इस बार ये डिसीजन लिया है कि 90 नए सेंटर उन्होंने इस बार नए क्रिएट किए हैं। वैसे तो 2300 के करीब हमारे टोटल एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं और सब के सब सेंटर्स हमारे ये फैसिलिटी है CCTV कैमरा की। थोड़ा सा शॉर्ट नोटिस पर निर्णय लिया गया 90 नए सेंटर बने, या शॉर्ट नोटिस पर जो उस इंस्टीट्यूशन की परिस्थितियाँ होंगी, हो सकता है नया रूम लगाना पड़े, तो इसमें कुछ ऐसे रूम्स, कुछ ऐसे सेंटर्स, मैं कहूँगा एग्जामिनेशन सेंटर या एग्जामिनेशन हॉल्स ऐसे होंगे जहाँ CCTV की सुविधा नहीं है। फिर भी हमने निर्देश दिए हैं, हमने अपने डिप्टी डायरेक्टर्स को भी, अपने प्रिंसिपल्स को भी और हेडमास्टर्स को, या एग्जामिनेशन जो सेंटर सुपरिटेंडेंट्स हैं, मैं आपके माध्यम से भी ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ तक हो सके जो रूम CCTV कैमरा की नज़र में है उसी में बच्चों को बिठाएं, ताकि उनके ऊपर अच्छे तरीके से एक नज़र रखी जाए और एक एग्जामिनेशन की सैंक्टिटी, जो इसके आचार व्यवहार जिस तरह से निभाना चाहिए उसी तरह से उसको निभाया जा सके। बोर्ड प्रबंधन ने परीक्षाओं और पेपर मूल्यांकन के लिए सारी तैयारियां पूरी कर ली है। शिक्षा विभाग ने भी इसके लिए कमर कस ली है। हमारे प्रदेश में आपको शायद जानकारी भी होगी, 1869 इतने हमारे सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स हैं और 928 के करीब हमारे हाई स्कूल्स हैं। तो हाई स्कूल्स और ये अगर मैं इन सब को मिला दूँ तो इनमें से कुछ स्कूल्स के सेंटर अपनी जगह नहीं है। हमारे यहाँ जो एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं वो केवल 2300 के करीब है, तो उनमें सब में तैयारी है, उनमें सब में जो एग्जामिनेशन की तैयारी होनी चाहिए वो तैयारी है, पूरी तरह से विभाग तैयार है। उच्च शिक्षा निदेशक अमरजीत सिंह ने बताया कि परीक्षाओं को लेकर विभाग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है। सैनिटाइजेशन का और जैसे सोशल डिस्टेंसिंग SOPs और इस तरह की जितनी भी हमारे प्रोटोकॉल्स हैं कोविड से बचने के लिए, कोरोना वायरस से बचने के लिए, मैं ये कहता हूँ कि पूर्णतया इनकी तैयारी है। विभाग के हमारे सभी टीचर्स, सभी प्रिंसिपल्स, हेडमास्टर्स या डिप्टी डायरेक्टर्स ने अपने अपने स्तर पर, अपने अपने स्कूल्स में, अपने अपने एरिया में, जहाँ जहाँ उनको पता है कि कितने स्टूडेंट्स वहाँ आएंगे, पूरी तरह से उन्होंने सैनिटाइजेशन अपने जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स हैं उनकी कर रखी है। तो अभी तक तो इतनी ज़्यादा चौंकाने वाली नहीं ऐसी स्थिति थी, कहीं 1-2-4 ऐसे कुछ स्टूडेंट्स आते थे, जैसे हमारे प्री बोर्ड जो एग्ज़ाम हुए उनमें भी बहुत अच्छा रिस्पांस रहा। उसके बाद हमने नॉन बोर्ड क्लासेस का फाइनल एग्ज़ामिनेशन लिया,
जैसे 9th, 11th, या अगर मैं दूसरी क्लासेज की भी बात कहूँ तो फर्स्ट से लेकर के 8th क्लास तक, वो सब कोई को फिर जिन जिन के मैंने नाम लिए 1st to 8th या 9th and 11th, इनको सबको प्रमोट कर दिया गया है। लेकिन इस समय में भी वो हमारे पास कुछ कोई 100 के करीब बच्चों के ऐसे रिस्पॉन्स आएंगे जो एग्ज़ाम नहीं दे सके ड्यू टू कोरोना पॉजिटिव या COVID-19 का उनके ऊपर संक्रमण था, तो उनको हमने 2 महीने का समय दिया है। लेकिन अभी तक हमारी बोर्ड क्लासेस क्योंकि कल से शुरू होने वाली हैं, कल ही एग्जैक्टली पता लगेगा कि कितने बच्चे हैं जो एग्ज़ाम नहीं दे पाए हैं। और इसके बारे में अच्छा निर्णय जो सरकार का भी था पहले कि किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, और इसी के चलते बोर्ड ने एक बड़ा अच्छा निर्णय लिया है कि अगर कोई बच्चा कोविड के चलते कोरोना वायरस संक्रमण के चलते एग्जामिनेशन नहीं दे सकता है तो उसको घबराने, हताश होने की, निराश होने की कोई ज़रूरत नहीं है। उसकी नई डेट फिक्स कर दी जाएगी, उसका एग्ज़ामिनेशन जब वो ठीक होगा पूरी तरह से, उसके पेरेंट्स और सब वो अपने आप तैयार होगा, तो उसका एग्जामिनेशन नए सिरे से ले लिया जाएगा। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीव टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ, रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री, दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड शनान संजौली शिमला। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी, इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं, करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि एक वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे, लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं, ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े, भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए,
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट राष्ट्रीयलोकनीति.org। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। लेटेस्ट खबरों के लिए आप यूं ही देखते रहिए द रीप टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।